हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप हेल्थी और हैप्पी होंगे और ऐसे ही रहिए। तो जी, आ चुकी हूँ मैं फिर से एक नया व्लॉग लेकर। तो आज है 3 जुलाई और टाइम हो चुका है शाम के 5 बज चुके हैं। थोड़ी देर पहले 3-4 बजे के आसपास मौसम ऐसा हो गया था बारिश का, और इतनी तेज़ बारिश हुई, एकदम बहुत तेज़। और अब हम मौसम देखे कैसे खुल चुका है पूरा। तो अब जो कपड़े धोए थे वो मैंने सुखाने के लिए डाल दिए, लेकिन थोड़ा सा डर है कि फिर दोबारा अगर मौसम चेंज हो गया तो सारे कपड़े फिर वापस उतारने पड़ेंगे। तो आज संडे है, आज इनके भी ऑफ था, तो सोचा चलो आज दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। तो मैं बड़ी मुश्किल से इन्हों को उठा के लेके आई हुई। अब नीचे मूवी देख रहे थे और इसके बाद हम जाएंगे बाहर कहीं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी बनाते हैं कुछ रील्स। तो मिलती हूँ आपसे रील्स बनाने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। शादी तो पहला जो दर्द दिल में होवे नी, शादी के बाद वो दर्द शिफ्ट होगा सिर में बढ़ जाए। बहुत दिल से मन था इटली खाने का। तो हमारे यहाँ पे फेमस जगह है, एक रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन रानी बाग में, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं खाने के लिए। तो चलिए। अरे मैं दिखा।
तो पेट हमारा भर चुका है, गुंजाइश तो नहीं है बाकी और कुछ खाना जाए पेट के अंदर, लेकिन है ना फिर ऐसा है कि अभी टाइम साफ कर चुके हैं और डेफिनेटली ये होगा कि रात को 12 बजे ना तो पेट भूख लगेगी, तो मन करेगा कि कुछ ना कुछ खाने के लिए हो। देखते हैं, सबके लिए अरेंजमेंट करके रखते हैं क्योंकि पता है फिर रात को इंसान हो ऐसे सब्जी रखे, रोटी रोटी बनानी है और अब देखे क्या कहते हैं, कपड़े सूख रहे, कपड़े अभी तक सूखे नहीं होंगे, अभी मैं लेके आऊँगी और बाकी कुछ है नहीं काम, अब चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इस लोग का यहीं कर दूँ, मैं ज़्यादा कुछ तो है नहीं लेकर करने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप ऐसे ही हेल्थी रहिए, हैप्पी रहिए और ऐसे ही अपना ध्यान रखिए।